गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं क्या स्टैटिक्स जीके में पंजाब। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम स्टैटिक्स जीके में आज हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में। आप लोग पंजाब के बारे में क्या क्या चीज पता है, मतलब पंजाब ही क्यों पड़ा इस क्षेत्र का नाम, आप लोग उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी आपका कंटेंट है अच्छे से समझाएंगे हम आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले चलते हैं इसकी नाम की उत्पत्ति, इसकी नाम की उत्पत्ति। जैसे कि आप लोगों का बचपन में नाम रखा गया होगा, इसी टाइप से हमारे इस क्षेत्र का नाम की इस मतलब इस क्षेत्र को पंजाब बोला गया तो क्यों रखा गया, ठीक है। नाम की उत्पत्ति, सबके घर में उसके पेरेंट्स नाम रखते हैं, इसी प्रकार से पंजाब का भी नाम रखा गया है वहां की पांच नदियों के उस पर, ठीक है। पांच नदियों के होने के लिए मतलब पूरे द पंजाब बोला जाता है, ठीक है, द पंजाब, क्योंकि इस पूरे मतलब कहा जाए भारत में या पूरे विश्व में एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर पूरी पूरी पांच नदियां पाई जाती है। आप लोग चाहो तो सर्च कर लो, ठीक है। और इसे फारसी में बोला जाता है पंजाब को, ये कौन सा शब्द है, ये फारसी शब्द है, ठीक है। और फारसी में एक नाम से और बोला जाता है इसको, क्या नाम है इसका, पंज पांच, ठीक है। और पंज पांच मतलब पानी, ठीक है, पंज पांच मतलब पांच रिवरों से मिलकर बना हुआ क्षेत्र को पंजाब नाम दिया गया। इसके चलते हैं सबसे पहले नाम उत्पत्ति, ठीक है, फारसी शब्द में आपको इस चीज को बता दिया गया, आप चलते हैं नाम उत्पत्ति के, ठीक है। इसको संस्कृत में क्या बोला गया, पंचनाथ, ये मियां है, ठीक है, और पंचनाथ इसको बोला जाता है, ये बोला गया है संस्कृत में, इसको पंचनाथ बोला गया, पांच नदियों के क्षेत्र को, संस्कृत में भी इसका उल्लेख है। और सबसे बड़ी बात है ये पांच नदियां है कौन कौन सी, ये है सतलज ब्यास, ये नोट कर लेना, ये कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है, रावी, चिनाब और लास्ट वाली है झेलम, जो कि आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे कभी भी पूछी जा सकती है कि पंजाब में पांच नदियां, तो पांच नदियों के नाम बताइए। सिक्वेंस से स्टैटिक्स जीके में कोई भी चीज कहीं पे से भी आपसे पूछ ही जा सकती है, इस चीज को ये मत सोचना कि आपसे कभी ये चीज नहीं पूछी जाएगी, कभी भी कहीं पे भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, किसका, भारत प्लस पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो इसमें दो नदियां थी तो जो आपस में क्या कर ली थी, बांटी नहीं थी, ठीक है। तो इसमें से तीन नदियां थी, सतलज ब्यास रावी, ये थी भारत के पास, ठीक है, और चिनाब और झेलम ये किसके, पाक अधिकृत, इसका 25% पानी क्या होता है भारत यूज करता है और बाकी का पानी कौन यूज करता है, पाकिस्तान यूज करता है, ठीक है। तो इसको विशेष करके रखना, अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं, ये अपन को इतनी चीज है, अपन को पता है कितनी चीज अपन लोगों को आती है, अपन लोग इतनी चीज सीख लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग और आगे, मतलब और आगे बोले तो इसके इतिहास के बारे में, क्या भैया कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया यहाँ पर राज किया, जैसे कि आपके घर में आपके पापा राज करते हैं, दादा करते हैं, पहले दादा फिर उनके भी पापा करते हैं, इस टाइप से होता ना, तो इस टाइम ऐसे यहीं पे उसी चीज के बारे में बताते कि इनका इतिहास कहाँ से रिलेटेड है, इनमें कौन कौन से वंश आए। देखिए किसी भी स्टेट के बारे में आप लोग जानो ना तो उनको बेखबर होकर जानो, क्यों, आप लोग अगर कोई भी चीज जानना चाहते हो ना तो सबसे बड़ी बात होती है कि उस क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ से इकट्ठी करें ये जरूरी नहीं है, नॉलेज होगी तभी आप किसी भी पेपर में या कभी भी जाओगे आपसे पंजाब पुलिस, ठीक है, हरियाणा पुलिस, तो इस चीज में क्या होता है पंजाब और हरियाणा के राज्य के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है पुलिस में, ठीक है, यूपी में यूपी पुलिस में यूपी राज्य के बारे में पूछा जाता है, भैया क्या साक्षरता रही इस साल, ठीक है, या क्या साक्षरता थी 2011 में जनगणना क्या थी, ठीक है।
हाँ या पुरुष और उसका अनुपात का, ये कोई छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोगों से कभी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इसके साथ चलते हैं बलुक वंश पर, या भैया कौन कौन से वंश है, यू जो भी चीज आपको पता है सिक्वेंस याद करना, ए टू जेड चीज सिक्वेंस, मतलब ऐसा ना हो कि हमें याद नहीं है फिर हम भूल गए फिर याद आ गई, ऐसा नहीं, कोई भी चीज याद करो सिक्वेंस, मतलब एक लाइन में क्या होनी चाहिए उस चीज को अच्छे से याद करना चाहिए, ठीक है। और तो चलते, पहले आया मौर्य, ठीक है। मौर्य वंश के बारे में आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो लूसेंट की वीडियो डली है, लिंक आपको खुद देखना पड़ेगा, प्ले स्टोर प्ले लिस्ट में जाइए चैनल की, वहां पे आपको पूरी लूसेंट की वीडियो मिलेगी, क्योंकि पूरा लूसेंट के बारे में आप पढ़ोगे तब आप मौर्य वंश को समझ पाओगे, ठीक है। इसके बाद आए बैक्ट्रियन, ठीक है, फिर आए यूनानी शक, यूनानी शक और किसान जैसे आए और गए, मतलब कि हुए और क्या हुए, उत्थान हुआ और पतन, यहां पे लिख देते हैं उत्थान एवं पतन, मतलब आ गए फिर चलेगा भैया, उन्होंने बोली मौर्य वंश ने भी हम है श्रेष्ठ सप्ता दिया बैठ रहे, ठीक है। फिर यूनानी है, यूनानी ने इनको हटा दिया, सक है, सक ने यूनानी को भगा दिया, कुषाण है, कुषाण ने सबको यहाँ से भगा दिया, फिर और वंश है छोटे छोटे जिनके बारे में अपन को जानना नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं सबसे ज्यादा पंजाब पर कौन कौन से वंशों का क्या रहा अधिकार रहा, ठीक है। ये वंश आए कुछ टाइम तक लिए रहे, बड़े बड़े वंश थे इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, और कौन कौन का अधिकार रहा, अधिकार मतलब कि किस वंश का सबसे ज्यादा अधिकार है, कौन ज्यादा टाइम तक बना रहा। सबसे पहले आता है गजनबी, गजनबी, फिर आते हैं इनके गौरी, फिर गुलाम, ये सब दिल्ली सल्तनत के हैं, दिल्ली पे इन्होंने राज किया, गुलाम वंश, खिलजी, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी, तुकलक, लोधी, मुगल, और कौन का है, बस मुगलों वंशों का अधिकार, मतलब ये वंश क्या थे मैन थे सबसे ज्यादा। इसमें से आपको कभी कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतनी ही चीज पढ़ना है कि आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से वंश है, वंश पूछे तो मौर्य वंश, बैक्ट्रियन वंश, यूनानी, शक और कृष्ण, और बस इतने ही है, ठीक है। इनका उत्थान मतलब आए और चले गए, मतलब थोड़ा सा भाग गए, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा अधिकार किनका रहा, गजनवी, गौरी, गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, लोधी और मुगल वंश लास्ट, इन लोगों का सबसे ज्यादा अधिकार रहा, मतलब चलते रहे ये वंश। आपको पता है शुरुआत से जब गजनवी का टाइम आया था तो बहुत, मतलब कि वही समझ लिया आप, जब सोमनाथ का वो हुआ था लूट, पृथ्वीराज चौहान, मतलब कि 700 या 900 के ईस्वी के समथिंग ये गजनवी आया था, इन्होंने पूरा चीज को हटाया उखाड़ा, यही करते रहे, मतलब आते जाते बने रहे, बहुत मतलब सोच लीजिए 31 बार जिस बंदे ने आक्रमण किया हो भारत पर, तो 32 बार जीतने के बाद उसने उस लड़ाई को खत्म कर दिया, और उसका सपोर्ट किसी ने नहीं किया, सबसे बड़ी बात है। सब लोग अपना मतलब कोई अगर मर रहा है तो उसको कुछ बताना नहीं चाहिए, मतलब देखते हैं ये तमाशा, देखो अपना क्या जाता है, इस चीज ने भारत को शुरू से ही क्या रखा है, बदनाम करके रखा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, अब चलते हैं कि आगे की स्टोरी, ठीक है। स्टूडेंट अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए ना तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट में हमें इस चीज को बता दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक में ये चीज की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे उसको अलग से विस्तारित रूप से आपको बताएंगे, ठीक है। और जो भी आपको लगता है कि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको अलग से वीडियो बना के आपको पर्सनली लिंक कर दूंगा, ठीक है। अब चलते पंजा, देखिए 15 से 16वीं जो शताब्दी थी तो उसमें किसका अधिकार रहा, उसमें देखिए 1506 तक तो समथिंग 1500 था तब थे मुगल, मुगल में कौन थे, अकबर थे, ठीक है। अकबर का राज चला, उसके बाद उनके बच्चों का राज चला, औरंगजेब का राज चला, ठीक है, मतलब मुगल थे 1500 तक तो समथिंग मुगल ही थे, ठीक है। और उसके बाद 16वीं सदी और 15वीं सदी के बीच में क्या हुआ, एक नया मोड़ आया कि नया
ये नया मोड़ क्या है, आप ये चीज आपको बता दें। सबसे पहले गुरु नानक देव, यहाँ पे कौन से गुरु नानक देव जी की क्या हुई, एंट्री हो गई, ठीक है। मतलब एक तरीके से बहुत सिखों में बहुत पवित्र माने जाते। इन्होंने क्या किया, शिक्षाओं शिक्षा से भक्ति आंदोलन पे जो आंदोलन है दूर दिए, मतलब कि इनकी जो शिक्षा थी, मतलब इन्होंने जो शिक्षा दे रहे थे लोगों को, उसके तहत इन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए, भक्ति आंदोलन के प्रति इनको जागरूक किया, लोगों का किया भक्ति आंदोलन के प्रति। कैसे, शिक्षा का सहारा लेकर क्या किया इन्होंने, भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रति क्या करते हैं, लोगों को जागृत किया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सिख समुदाय एक तरीके से बनता गया, बढ़ता गया, फिर और बढ़ता गया, इसमें लोग जुड़ते गए, जिसके बाद इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की भी क्या हो गई, इसमें एंट्री हो गई, मतलब कि एक तरीके से इसमें आ गए। और इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया है, ठीक है, क्या वो सिखों का एक संगठन बनाया है, जिसको खालसा पंथ बोला जाता है, क्या बोलता है, खालसा पंथ बोला गया, कौन सा खालसा पंथ, क्या बोला गया, एक संगठन बनाया, किसने बनाया, गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने बोला जाता है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इनके ऊपर देखिए कृष्ण जी ने भी जब दोहा दिया, गुरु गोविंद दो ही खड़े काके लाग उपाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इस टाइप से उन्होंने बताया। गोविंद जी का वहां भगवान के रूप में किया गया था, बट ये सिखों के गुरु हैं, गुरु गोविंद। अगर कोई आपसे पूछ ले गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो ये बोलोगे आप सिखों के, और वो दोहा किसके ऊपर था, वो भगवान के ऊपर था, ठीक है। ये दोनों चीज अलग है, क्योंकि कभी कभी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं इस चीज में, हमने देखा बहुत सारे लोग वो कहते हैं गोविंद जी का प्रयोग वहां पर उस शब्द में किया, उस श्लोक में किया, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से बताया जाता है, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से बता दिया। फिर क्या हुआ, इनका सिख साम्राज्य क्या हुआ, चलता गया। फिर क्या हुआ, एक राजा है जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने क्या किया, बढ़िया अपने सिख समुदाय को इकट्ठा कर दिया, अपने सिख पंथ चला के, खालसा पंथ चला के, मतलब जो लोग वहां पे थे अंग्रेज छोड़कर, बाकी सबको भगा भगू दिया, सब राजा माया पे यही है, किसी से राज नहीं करवाना। मतलब एक तरीके से इनका एजेंडा एक तरीके से मजबूत हो गया, और ये पूरे भारत में क्या करने लगे, अपने सिख को बोले, अपने सिख समुदायों को क्या करने लगे कि आप लोग क्या कीजिए, अपना मतलब वो चलाइए, अपने प्रचार कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए, जिससे क्या हो सिख में बहुत ज्यादा लोग क्या हो शामिल हो। जिसके बाद क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह ने देखा कि भैया ऐसे तो मतलब कहा जाए एक तरीके से धार्मिक चीज के रूप में बता सकते हैं आपको, कि ऐसा तो ये होगा कि पूरा भारत क्या हो जाएगा, एक सिख समुदाय के रूप में होगा और एक खालसा पंथ के रूप में जुड़ जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इनको समझाने के लिए मतलब इनको बोला कि आप लोग क्या कीजिए, इस तरह की जो भी आप धार्मिक रूप से इस चीज के आड़ लेकर आप जो भी फैला रहे हो उस चीज को क्या कीजिए, आप लोग बंद कीजिए कृपया करके, ठीक है। इन्होंने इस चीज को बोला, बट ये लोग क्या हुआ समझे नहीं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सिख साम्राज्य सिख साम्राज्य से क्या लिखते थे, सिख साम्राज्य का जो क्या था मतलब जो अपना राजपाट जो चला रहे थे, तो उस चीज को क्या बोला उन्होंने, स्टॉप करने के लिए उनसे बदला लिया, ठीक है, एक तरीके से युद्ध किया, और आगे जाके मतलब इनका भी खैर कब्जा नहीं हो पाया, मतलब ये लोग उस चीज को सीमित कर रखा एक सीमा तक कि आप लोग इस सीमा से यहाँ नहीं आ सकते, आप आओगे हम खड़े आपके लिए, जिससे कि हिंदू समाज वहां पर बस सका, पूरे भारत में हिंदू बच सके, इस चीज को देखा। क्योंकि देखिए अधिकतर देखिए जो अपने धर्म का प्रचार करेगा, ठीक है, उसको ही सोचेगा भाई ये जी अच्छी है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि हर कोई अच्छा हो, ठीक, उनकी भी चीजों में धर्म में कुछ अच्छी चीज है, दूसरे धर्म में कुछ अच्छी चीज है, ठीक है। बस इसको रोकने के लिए आप बोलो तो एक दीवार के रूप में महाराजा रणजीत सिंह क्या हुए, खड़े रहे, जिन्होंने क्या रखा अपनी मर्यादा को रखा, और मर्यादा को समझ कर इन्होंने इसके प्रति क्या हुए कदम उठाए, ठीक है। और अब चलते हैं, फिर क्या हुआ, 1956 जब देखिए देश आजाद हुआ, इसके बाद अंग्रेजों से देश आजाद हुआ, फिर क्या हुआ, एक विधिवत क्षेत्र के रूप में से पेप्सू के नाम से क्या हुआ जाना जाने लगा, किसको, पंजाब को पेप्सू के रूप में क्या हुआ जाने जाने लगा। जिसके बाद इस चीज को बताएगा कि उस क्षेत्र पेप्सू से चार
राज्यों को अलग किया, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और एक और क्षेत्र था उत्तर प्रदेश से, एनसीआर दिल्ली, ठीक है। इसको क्या किया गया, अलग किया गया, ठीक है। कब किया गया जी, 1956 में पेप्सू से, ठीक है। और इसकी मांग किसने की थी, पंजाब की मांग की थी पंजाबी सूफी आंदोलन के जरिए, किसने की थी, पंजाबियों ने की थी मांग, किसकी, पंजाबी सूबा आंदोलन, ये आंदोलन किया था इन्होंने, बोला खालिस्तान की मांग की थी इन्होंने कि भैया हमें अलग सा, मुसलमानों को अलग देश दिया, हिंदुओं को अलग दे दिया तो हमें भी अलग दो। इस चीज के ऊपर खालिद समुदाय बहुत चलते हैं, आप लोग भी टीवी पे भी देखोगे, एक सिख जो है आप लोगों को शायद पता हो, ठीक है। तो उनके नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कंटेंट में कोई भी दिक्कत हो, या हम नहीं चाहते कि किसी के नाम बदनाम या किसी के प्रति हम आप लोगों को भावना की अराजकता फैलाएं, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, इस चीज को बताते हैं कि हिंदुस्तान ने ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, अपने खालिस्तान की मांग करते हैं, मतलब आतंकवादी संगठन के रूप में क्या करते हैं, उसको चलाने के लिए इस चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बट लोगों की मानसिकता है, आप लोग अच्छे पढ़ने लिखने वाले हो तो इस चीज में कभी मत घुसिएगा, ठीक है। किसी भी आतंकवादी संगठन या किसी भी चीज के लिए इस तरह का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे हो, देश का भविष्य हो, आप लोग अपने देश के भविष्य को देखिए, ठीक है। किसी भी संगठन या किसी भी चीज से जुड़ने से पहले आप लोग अपने फैमिली, अपने देश के प्रति जरूर सोच लेने एक बार, ठीक है। बस ये वाला आज का इतिहास, इसमें ये इनका इतिहास था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कृषि, यहाँ पे कृषि, अभी देखिए यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था, पंजाब के कितने सारे किसानों ने क्या किया था, आंदोलन किया था, पंजाब के क्या पूरे देश के किसानों ने आंदोलन किया था। बस आंदोलन सिर्फ इस चीज का था कि लोगों को पता नहीं है कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता हो क्या आंदोलन क्यों हुआ था। कोई बिल आया था जिसके प्रति उसको वापस करना था, उस बिल में ये था जैसे कि आपके राज्य में गेहूं 100 रुपए किलो है, ठीक है, और दूसरे राज्य में 50 रुपए किलो है, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, 50 वाले खरीदे या 100 वाला खरीदे, 50 वाली खरीदेगी, आप लोग भी अच्छे हो 50 वाली खरीदेंगे, ठीक है। तो सरकार ने बोला कि जो हम सारे राज्यों के दाम होंगे वो एक ही होंगे, ठीक है, अगर 100 रुपए का है तो 100 रुपए ही होगा, 10 ज्यादा नहीं बनेगा। मगर इसके लिए क्या होगा, इन्होंने बोला क्योंकि इनकी इनका बाजरा वगैरह जिस सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इनका फसल में पूरे विश्व में 3% का योगदान, मतलब पूरे विश्व में 3% सबसे ज्यादा फसल अपने यही होती है। तो उन्होंने इस चीज से बोला कि हमें बहुत नुकसान होगा, तो इसलिए किसान ने क्या किया, इस चीज के ऊपर आंदोलन कर दिया, 2-2.5-3 साल चला था ये आंदोलन। इसके बाद इसके ऊपर फैसला लिया सरकार ने, बहुत सारी चीजों का देखा। कृषि में क्या क्या होता है, क्या चावल, कपास, चावल, कपास, गन्ना, बाजरा, गन्ना, बाजरा, लोगों की खेती दूसरे देश में वहां तक करने जाते हैं, ठीक है। दूसरा देश में मतलब पाकिस्तान में, जो कि जिस लोगों की बहुत पुरानी जमीनें लगी ना, वो लोग भी पाकिस्तान में खेती करके करने जाते हैं, वो वापस आते हैं, मगर लोगों को वहाँ पे नशे की लत इतनी लगा दी जाती है कि वो लोग खुद की खेती छोड़कर और चीजों में चले जाते हैं, ठीक है। चावल, कपास, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना और फल, इनकी क्या होती है, सबसे ज्यादा वहां पे खेती होती है, गेहूं और चावल, ठीक है। गेहूं क्या होता है, ये वहां पे 60% होता है, चावल कितना होता है, 40%, मतलब पूरी खेती का 60% 40% राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल क्या होते हैं वहां पे किए जाते हैं। और इनका विश्व में फसल योगदान, मतलब आपने अभी हमने इतना पढ़ाया होगा, कहीं पे भी बताया नहीं होगा किसी की फसल के बारे में कितना योगदान, बट इनका बहुत ज्यादा योगदान है, पूरी विश्व का 3% से ज्यादा इनका योगदान है। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि पंजाबी लोग अधिकतर सिंगापुर ज्यादा पसंद, कनाडा और सिंगापुर ये सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है इन लोगों की, ठीक है। सबसे ज्यादा देखिए कनाडा में अधिकतर 50% से अधिक पंजाबी है वहाँ पे, ठीक है। अगर इंडिया की तरफ से गए तो 75% क्या वहाँ पे पंजाबी ही यहाँ से गए हैं वहाँ पे, और कोई नहीं गया सिंगापुर और कनाडा, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह है वहाँ पे। अधिकतर लोग आपने देखा होगा वहाँ पे रहते हैं लोग अच्छी तरह से पंजाब के लोग, तो इसलिए है क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमें इंडिया से ऐसा नफरत, नफरत तो खैर नहीं बोला उन्होंने, वो
बट ये चाहते कि इंडिया में अच्छा लगता है वहाँ पे, अच्छी चीजें वहाँ पे, इस चीज को बिजनेस बिजनेस या कोई भी चीज करते तो वहाँ पर अधिक करते थे। इंडिया में कब करते, किसका क्रेज कम है, ऐसा सोचते हैं, सोच है लोगों की, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो बस ये है कि ऐसा नहीं है यहाँ पे, बट ये है कदर थोड़ी सी कम है, बट हो जाएगा जैसा भी आप करोगे आदमी, तो कल आपका नाम उठेगा, कैपिटल बड़ा सा। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम लास्ट वाला पढ़ा रहे हैं, शहर जिले राज्यपाल और सीएम हटा दिए हमने, क्योंकि वो दिक्कत कर रहे थे। अगर हम अभी डालेंगे फिर अगला कंटेंट अगर हम बताएंगे तो उसमें राज्यपाल और सीएम अलग चेंज हो जाएंगे, राज्य भाषा और साक्षरता। किसी भी राज्य की साक्षरता अगर 80 या 90 के पास है तो बहुत अच्छी साक्षरता मानी जाती है, ठीक है, 80 और 90 के बीच में, क्योंकि अधिकतर लोग शिक्षित है। राज्य का गठन 1 नवंबर 1996 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। इसके बाद ही हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरा प्रदेश का बाद में हुआ था, ठीक है। इन सब का क्या हुआ था, इसी क्षेत्र से क्या हुआ था, गठन हुआ था। दिल्ली को भी अलग किया गया था इसी क्षेत्र से, ठीक है, कुछ एनसीआर क्षेत्र को अलग किया गया था बाद में, ठीक है। कैपिटल क्या है यहाँ की, चंडीगढ़, हरियाणा और यहाँ की कैपिटल क्या है, सेम ही है, ठीक है। बड़ा शहर है लुधियाना, यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, लुधियाना में गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, इसलिए वहां सबसे बड़ा शहर माना गया, मतलब है। और 23 जिले हैं यहाँ, यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के हिसाब से 50,362 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्षेत्रफल है। राजभाषा क्या होगी यहाँ की, पंजाबी। ये चीज आपको याद नहीं करनी, ये चीज बहुत अच्छी चीज है। साक्षरता 76.68% यहाँ की क्या है, साक्षरता, मतलब की एक तरीके से 80 के समथिंग करीब है, बट आने वाले टाइम में और भी अच्छी साक्षरता हो सकती है इस राज्य की। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं पढ़े लिखे, अधिकतर होते हैं यहाँ पे, अधिकतर खेती ही श्रेष्ठ मानी जाती है इन लोगों के हिसाब से, ठीक है। अपने हिसाब से हम कुछ नहीं कहते, आपको जो अच्छे लगे आप लोग वो कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इसमें इतना ही, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करने में भूलिए। आप लोग कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप लोग हमें बताइए, हम इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही।